अगर कांग्रेस 125 सीटें जीत जाती है तो क्या वह सरकार बना लेगी? कैसा हो सकता है? बीजेपी को कितनी सीटें मिल रही हैं? अमेरिका के पॉलिटिकल एक्सपर्ट इस पर क्या कह रहे हैं? सरकार बनाने के लिए कांग्रेस को कम से कम 150 सीटें चाहिए तो बीजेपी को 250 सीटें क्यों चाहिए? आइए इसके जवाब आपको देते हैं। अमेरिका के एक मशहूर पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं इयान ब्रेमर। उन्होंने एक टीवी इंटरव्यू में भाजपा को कितनी सीटें मिलेंगी उस पर जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी को चुनाव में 305 से ज़्यादा सीटें मिल सकती हैं और मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन सकते हैं। उन्होंने एक रिसर्च का हवाला देते हुए कहा कि बीजेपी को 295 से लेकर 315 के बीच में सीटें मिल सकती हैं। अभी ये 310 भी हो सकते हैं, उससे कम या ज़्यादा भी हो सकती हैं। लेकिन कांग्रेस 125 सीटें जीतने पर ही सरकार कैसे बना लेगी, यह भी आप समझिए। तो यह गणित तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी का है। उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि कांग्रेस के पास कई ऐसे सहयोगी पार्टियाँ हैं जो उस पर भरोसा करते हैं, जो बीजेपी के पास नहीं हैं। 2004 में भाजपा ने 138 सीटें जीती थी और कांग्रेस ने उससे मात्र 7 सीटें ज़्यादा यानी 145 सीटें जीतकर यूपीए सरकार बना ली थी। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि भाजपा के मुकाबले कांग्रेस के पास ज़्यादा अच्छे सहयोगी दल हैं। तो कांग्रेस के पास अभी कौन कौन से बड़े सहयोगी पार्टियां हैं ये आपको बताते हैं। तो कांग्रेस के पास दक्षिण भारत में डीएमके है, बंगाल में टीएमसी है, यूपी में समाजवादी पार्टी है, बिहार में आरजेडी है, आम आदमी पार्टी जैसी बड़ी पार्टियाँ कांग्रेस के साथ हैं। लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस के लिए 150 का आंकड़ा छूना बेहद मुश्किल है। कांग्रेस ने 2014 में 44 सीटें जीती और 2019 में 52 सीटें जीती और भाजपा को कांग्रेस के मुकाबले 282 और 330 सीटें मिली थी। हालांकि दोनों का ग्राफ बड़ा ज़रूर है, लेकिन कांग्रेस की स्थिति इतनी मजबूत नहीं दिख रही है कि वह 150 का आंकड़ा पार कर लें। बहरहाल चुनाव हैं, यहाँ कुछ भी हो सकता है और इसके लिए 4 जून का भी इंतज़ार करना होगा। अब इस समीकरण में बीजेपी अगर उत्तर भारत में कुछ सीटें गवा भी देती हैं, हार भी जाती हैं, तो इस पर दक्षिण भारत से वो इस बार भरपाई कर सकती है। दिल्ली, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, यूपी, बिहार से अगर बीजेपी 8 या 10 या 20 सीटें भी हार जाती हैं तो भी कांग्रेस के लिए कुछ ज़्यादा फायदा नहीं होगा, क्योंकि कुल मिलाकर 150 सीटें पहुँचने के लिए कांग्रेस को पिछली बार से 98 सीटें ज़्यादा जीतनी होगी, जो फिलहाल मुश्किल दिखाई दे रहा है। इस समीकरण पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट कर ज़रूर बताएँ और देखते रहें india.com।